नमस्कार, चंदन आर्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बहुत आसान आसान तरीका से कुछ बनाने सीखते हैं। अगर घर में आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं मैं आपका काम आने वाला ही हूँ। फ्लावर, फूल, हर किसी का लाइफ में फूल बनाने का कहीं ना कहीं चैलेंज जरूर आता है। तो आज मैं आप लोगों का फूल बनाने का ड्राइंग इतना सॉल्व कर दूंगा, इतना हल्का कर दूंगा कि आप कभी सोच नहीं सकते थे। देखिए, फूल बनाने के लिए सबको पता है ABCD का या प्लस माइनस का, प्लस किसी को भी आता है। इसको कहते हैं जोड़ का चिन्ह, इसको कहते हैं जोड़ का चिन्ह। और मुझे पता है कि हर किसी को पता है ये जोड़ का चिन्ह है, और इस जोड़ का चिन्ह से हम लोग फूल बनाएंगे बहुत आसान तरीका से। आप इस जोड़ के चिन्ह के बीचों बीच और एक एकदम क्रॉस करते हुए गुना का चिन्ह लेंगे, गुना का, या इसको एक्स भी कह सकते हैं। अब हमारा काम शुरू होगा। हम लोग ठीक बीच में एक गोल करेंगे और इसको कवर कर देंगे। बहुत आसान तरीका है। और अब क्या करना है, कोई भी एक, इतना सारा लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, किसी एक लाइन को, मान लीजिए इस लाइन को लिए, इसको मिडिल में छोड़ दिए और इस दोनों को ठीक आपस में मिला दिए। अब इसका, इसको बीच में रखें और आपस में आसपास को मिला दिए, इसको बीच में रखें और आसपास को बीच में मिला दिए। ठीक इसी तरह इसको भी बीच में रखेंगे और आसपास को ऐसे मिला देंगे। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं या आप अपना खुद बचपना को सामने रखना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो मुझे फॉलो कर लीजिए, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं ना आप काम नहीं आ। इस तरह करने के बाद में ठीक बीच से एक लहराते हुए एक लाइन ले, और हम लोगों को पता है ये आठ है, लेकिन इस आठ को हम लोग टेढ़ा बगा लिख रहे हैं इस तरह से, आठ, और इसके बीच में एक लाइन ले लेंगे। इस तरह से आप बहुत आसान तरीके से अपने बच्चों को भी फूल बनाना सिखा सकते हैं। बहुत सारे कुछ भी आप लोगों का निवेदन हो, रिक्वेस्ट हो, तो मुझे मैसेज कमेंट्स में डाल सकते हैं। आप लोग का कोई भी ड्राइंग हो, मैं सॉल्व करने के लिए इच्छुक हूँ। धन्यवाद।